When I was in FSC, I got married. So after marriage, education को लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो after some time मैंने FA किया, फिर graduation की. 2020 में मैंने masters के लिए apply करना था. तो उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया ई-कॉमर्स फील्ड के बारे में, और फिर हमने मिल के ही इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया. स्टार्ट से ही हमारा जो प्लान था वो बेसिकली बिज़नेस का ही था. प्रोडक्ट हंटिंग मैंने उससे स्टार्ट किया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लॉन्चेस भी की डिफरेंट जगहों पर. US में की, UK में की, UAE में की, और बहुत अच्छा मेरा वो एक्सपीरियंस रहा. जो मेरा अपना पर्सनली प्रोडक्ट है वो होम एंड किचन से रिलेटेड है. अगर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप पूछते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 लाख प्लस अर्न करती हूँ पाकिस्तानी रुपये में, और उसके अलावा जो अपना बिजनेस है वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा, उसमें प्रॉफिट है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद. आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बतौर वर्चुअल असिस्टेंट भी काम किया और अब ये अपना प्राइवेट लेबल बिजनेस रन कर रही हैं. हम इनसे जानेंगे कि वो कौन से स्किल्स हैं जो एक प्राइवेट लेबल बिजनेस ओनर में होने चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि जब ये बतौर वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रही थी तो इन्होंने क्या सोचा और क्या समझा कि ये प्राइवेट लेबल बिजनेस की तरफ मूव कर गई. ई कॉमर्स जो कि आने वाले वक्त की एक ज़रूरत है, हम इसके मुताबिक अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं और कौन से ऐसे स्किल्स हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं ताकि हम भी आने वाले वक्त में ई कॉमर्स से अर्निंग स्टार्ट कर सकें. आइए इनसे मुलाकात करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया अफशा आबिद साहिबा आपकी तशरीफ आवरी का. मैम सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप एक हाउसवाइफ हैं, तो आपने ई कॉमर्स की तरफ आने का कब और कैसे सोचा, कब आपके जहन में आया कि मैं खुद अर्निंग स्टार्ट करूँ और स्पेशली ई कॉमर्स की तरफ आऊँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स कासिम अली शाह फाउंडेशन फॉर इनवाइटिंग मी हेयर. सो हुआ कुछ ऐसा कि व्हेन आई वाज इन एफएससी आई गॉट मैरिड. सो आफ्टर मैरिज एजुकेशन को लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. तो हमने ये डिसाइड किया कि मेरी एजुकेशन को हम लोग फर्दर लेके चलेंगे और उसमें उसको हम डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे बल्कि उसको स्लोली स्लोली लेके चलेंगे. तो आफ्टर सम टाइम मैंने एफ़ए किया, फिर ग्रेजुएशन की, और उसके बाद लास्ट ईयर 2020 में मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना था. तो उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया ई-कॉमर्स फील्ड के बारे में, और उसके बाद हमने कि ये एक इमर्जिंग बिज़नेस है, और फिर हमने मिल के ही इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, और जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किल्स सिखा रहे हैं, जिसमें इनेबलर्स जो है वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ग्रुप था. और फिर उसको देखा, इनेबलर्स को देखा, फिर इनकी साकिब साहब की वीडियोज़ देखी जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल थी, इंस्पायरिंग थी. तो बस उसके बाद डिसाइड किया कि आई जंप इनटू ई कॉमर्स फील्ड एंड नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड शेयरिंग माय सक्सेस स्टोरी. मैम जब आप प्राइवेट लेबल बिजनेस में आई, पहले आपने बतौर वर्चुअल असिस्टेंट भी काम किया, फिर तब आपने क्या सोचा कि मैंने प्राइवेट लेबल बिजनेस करना है? क्या आपको लगा कि वर्चुअल असिस्टेंट की जो सैलरी है वो इनफ नहीं है, मुझे बिजनेस करना चाहिए? क्या ख्यालात जहन में आए कि आप इस तरफ आएँ? जी अच्छा, देखें स्टार्ट से ही हमारा जो प्लान था वो बेसिकली बिजनेस का ही था, ठीक है. तो बिज़नेस का प्लान था, और उसके बाद मैंने जो बेसिकली ट्रेनिंग ली थी गुजरांवाला से हैं डॉक्टर कासिम ज़िया मलिक, उनके लीड एम्बेसडर हैं, जिनसे मैंने 1-to-1 ट्रेनिंग ली थी फॉर प्राइवेट लेबल. तो उस ट्रेनिंग के बाद जो है ये था कि उन्हें हमें एक इशू फेस करना पड़ा, वो ये कि मेरी अकाउंट ओपनिंग लेट हो गई, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे मैंने स्टॉप नहीं किया बल्कि मैंने ये सोचा कि अगर मैंने इसको लर्न कर लिया है देन मुझे अब वेट नहीं करना चाहिए, और मैंने फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी. तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की जो कि जिस चीज़ में मेरी एक्सपर्टीज़ थी, प्रोडक्ट हंटिंग, मैंने उससे स्टार्ट किया. और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लॉन्चेस भी की डिफरेंट जगहों पर, US में की, UK में की, UAE में की, और बहुत अच्छा मेरा वो एक्सपीरियंस रहा. तो गोल तो हमारा अपना बिजनेस ही था, बस उसके बाद फिर हमें जैसे हमारा अकाउंट जो है फाइनलाइज हुआ उसके बाद हमने अपनी लॉन्च की. मैम प्रोडक्ट हंटिंग तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है, उनको बड़ा मुश्किल लगता है, आपकी एक्सपर्टीज़ है इसमें, तो आपने इसको आसान अपने लिए कैसे किया?
देखिए, दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, ठीक है। अगर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि लैसल इंसानी इल्ला मासा, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है, ठीक है। तो जब आप कोशिश करते हैं तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। और ऐसा ही मेरे साथ था कि मैंने इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसको टाइम दिया, क्योंकि मैं बेसिकली अपने बिज़नेस के लिए कर रही थी, तो मैंने प्रोडक्ट हंटिंग को बहुत ज़्यादा टाइम दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ वन मंथ मेरी एक्सपर्टीज़ हो गई थी इसमें इतनी ज़्यादा कि मैं एक घंटा अगर रिसर्च करती थी तो एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड कर लेती थी। और अगर आपको मैं बताऊं कि मैंने जो सर्विसेज देना स्टार्ट की, वो मेरा स्टार्ट ही इस तरह से था कि मैं बेसिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट के लिए मैंने काम किया। कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको, जिन्होंने ये बिज़नेस करना है और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि प्रोडक्ट हंटिंग पे काम करें, लेकिन वो इनेबलर्स के अप्रूव प्रोडक्ट के साथ काम करना चाहते हैं। तो मैंने ये सर्विस दी कि मैं उनको प्रोडक्ट अप्रूव करवा के देती थी, जो कि सबसे मुश्किल टास्क है। लेकिन वो किस तरह से मैंने उसको परफॉर्म किया कि मैंने बेसिकली अपनी एक्सपर्टीज़ पर काम किया कि मैं एक्सपर्ट बनूँ इसके लिए। मैम, एक खातून के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है घर को भी संभालना, बच्चों को भी देखना और फिर सारा दिन बैठ के कंप्यूटर पर काम करना, तो ये आपको मुश्किल नहीं लगा? देखें, अब वही बात आ जाती है कि मुश्किलात बिल्कुल होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट जानते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली एज अ वूमेन, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ चिल्ड्रंस, तो उनके साथ मुझे अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब नहीं करना था, उनको भी टाइम देना था। तो मैंने बेसिकली जो मेरा टाइम था, मेरी इंटरटेनमेंट का टाइम था, जिसमें मैं ड्रामाज देखती थी, जिसमें या मेरे रेस्ट का टाइम था, मैंने वहाँ से टाइम निकाला और उस सारे टाइम में मैंने अपनी इस लर्निंग को फोकस किया। इवन औकात ऐसा होता था कि मैं बच्चों को सुलाती थी और मैं काम करने बैठती थी और सुबह हो जाती थी और मैं प्रैक्टिस कर रही होती थी प्रोडक्ट हंटिंग पे, या फिर मैं वीडियो सुन रही होती थी। तो इस वजह से, इस तरह से मैंने ये सब कुछ मैनेज किया। मैम, जब आप प्राइवेट लेबल बिजनेस में आईं तो तब आपने किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम किया? जो मेरा अपना पर्सनली प्रोडक्ट है वो होम एंड किचन से रिलेटेड है जी। मैम, ज़्यादातर लोग होम एंड किचन में काम करते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसमें मैं बताऊं कि मेरा बेसिकली ये है कि मैं ये नहीं कहती कि आप किसी एक कैटेगरी में काम करें, ठीक है, सारी कैटेगरीज में आपको काम करना चाहिए। तो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जाते भी हैं तो वहाँ पे आपको बहुत मुश्किल हो जाती है गोल्डन प्रोडक्ट को फाइंड करना, ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं ट्रिलियन डॉलर मार्केट में, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि वो कोई भी चीज़ हो, बस एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकें, ठीक है। तो उसमें मेरा बेसिकली ये था कि वो बाय चांस होम एंड किचन से रिलेटेड था प्रोडक्ट जो मेरा फाइनलाइज हुआ। मैम, इस सारे सफ़र में आपके इंस्पायरेशन और आपके मेंटोर्स कौन लोग रहे? देखें, मेंटोर जो हैं वो डॉक्टर कासिम ज़िया मलिक हैं और ही इज़ अ ग्रेट मैन, बल्कि मैं कहूँगी ही इज़ अ एक्सपर्ट इन ई कॉमर्स बिजनेस इन अमेज़ॉन। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, मुझे बहुत मोटिवेशन दी इस काम में। लेकिन और उसके अलावा साकिब अज़हर साहब, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया हमें कि मुझ जैसी ख़वातीन जो घर बैठकर इतनी अच्छी इनकम जनरेट कर सकती हैं, अपना बिज़नेस कर सकती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। स्पेशली अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हमारी वुमेंस को इशूज़ ही यही आते हैं कि हम बाहर निकल के काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसमें, कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं कि जिनको परमिशन नहीं होती बाहर निकल कर काम करने की, या फिर ऐसा होता है कि आपके बच्चे हैं तो आप नहीं जा सकते बाहर काम करने। तो उसमें ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप आएँ इस फील्ड को लर्न करें। मैम, आपकी इस वक्त मंथली अर्निंग कितनी है? देखें, अगर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप पूछते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 लाख प्लस अर्न करती हूँ पाकिस्तानी रुपीज़ में, और उसके अलावा जो अपना बिज़नेस है वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिट है। और वैसे तो वो जो प्रोडक्ट है उसमें 40% का प्रॉफिट है, लेकिन क्योंकि अभी स्टार्ट ही है उसका, तो हमें जो प्रॉफिट है अगर हम सारे एक्सपेंस वगैरह निकाल दें तो 20% उसका प्रॉफिट आता है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग प्राइवेट लेबल बिज़नेस में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी? बहुत सारे लोग हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें। आप उन्हें गाइड करें, बताएं कि आप चूँकि एक सक्सेस स्टोरी हैं तो आप एक स्टोरी के तौर पर उन्हें बताएं कि वो किस तरह से इस बिज़नेस में आके पैसे कमा सकते हैं। देखिए, अगर आप काम करना चाहते हैं प्राइवेट लेबल को, मेरा सिलेक्ट करने का ये था कि प्राइवेट बेसिकली हम बिज़नेस करने जा रहे हैं, ठीक है, और तो बिज़नेस में हम यही चीज़ देखते हैं कि कोई ऐसा काम किया जाए जहाँ पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकें, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद देखें, ये हम यहाँ पे अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये फ्लिपेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जब चाहें इसको सेल कर सकते हैं और एक अट्रैक्टिव अमाउंट में सेल कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पर भी
यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और जब आप इसको सेल करेंगे तब भी आप एक अच्छी अमाउंट में सेल कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं कि ई कॉमर्स एक इमर्जिंग बिज़नेस है, आने वाले दौर का बिज़नेस है, तो इसको आप लोग सीखें, ठीक है। अभी आप ये देखें कि हमसे पहले लोग जितने भी इस बिज़नेस में आए हैं आज वो लोग कहाँ मौजूद हैं, अपने बिजनेसेस चला रहे हैं या वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ई कॉमर्स की ये है कि आप यहाँ पे ना तो आप टाइम के बाउंड हैं और ना ही आप जगह के बाउंड हैं। आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप किसी छोटे से छोटे गांव में मौजूद हैं या फिर एक आप बड़े शहर में बैठे हैं, आप वहाँ पे बैठकर ग्लोब में सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इससे अच्छा बिज़नेस कोई हो नहीं सकता। और अगर स्पेशली आप वीमेंस की बात करते हैं तो वीमेंस के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको अवेल करें। मैम, स्किल्स कौन कौन से चाहिए होते हैं एक इंसान में ताकि वो प्राइवेट लेबल बिज़नेस को हैंडल कर सके? देखें, प्राइवेट लेबल बिज़नेस के जितने भी एक्सपर्ट हैं उन सब में आपकी स्किल्स क्या क्या चाहिए होती हैं। जैसा कि आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, आपको प्रोडक्ट हंटिंग की स्किल्स आनी चाहिए कि एक अच्छा प्रोडक्ट हंट किस तरह से करना है, क्योंकि आप एक ट्रिलियन डॉलर मार्केट में जा रहे हैं बिज़नेस करने, ठीक है। तो वहाँ पर जो हम चीज़ सेल करने जा रहे हैं वो एक परफेक्ट चीज़ होनी चाहिए, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, एक एवरग्रीन प्रोडक्ट होना चाहिए। तो जब तक आपको हंटिंग नहीं आएगी आप एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं हंट कर सकते। इसी तरह आप सोर्सिंग के एक्सपर्ट हों तो आप ये देखें कि जितने भी बिज़नेस एक्सपर्ट्स हैं वो लोग ये कहते हैं कि जो असल प्रॉफिट मार्जिन है ना वो सारा आपका सोर्सिंग में होता है, ठीक है। तो जब तक आप सोर्सिंग में एक्सपर्ट नहीं होंगे, आपको सोर्सिंग की स्किल्स नहीं आएंगी, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपने गोल्डन प्रोडक्ट फाइंड भी कर लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आपको सोर्सिंग नहीं आती। इसी तरह से लिस्टिंग, अब लिस्टिंग क्या है, आपने एक प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, आपने सोर्सिंग भी कर ली, उसके बाद आपने जो अपनी दुकान बनानी है ना, जो सजानी है, उसको हम कहते हैं बेसिकली लिस्टिंग। तो जब तक आपको वो चीज़ नहीं आएगी, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं आएगा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह प्राइवेट लेबल में जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, लिस्टिंग है, उसके बाद उसको रैंक कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, वो सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए और वो प्रॉपर सीखनी चाहिए आपको। क्योंकि जब हम प्राइवेट लेबल करते हैं तो हम इसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर हम इस चीज़ पर भी काम करें कि हम वो स्किल्स सीखें और प्रोफेशनली सीखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विजन है, वो चाहते हैं कि लोगों को एनेबल किया जाए और वो हर इसी जो है ख्वाहिश में कोशाएं, आप उनको क्या कहेंगी? देखिए, साकिब अज़हर साहब का एक बहुत ब्रॉड विजन है और उन्होंने सिर्फ अपने ज़ात के बारे में नहीं सोचा बल्कि वो पाकिस्तान की एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि उन्होंने एक ज़बरदस्त टीम बिल्ड की और वो टीम ओवरऑल द पाकिस्तान सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो लोगों को स्किल्स सिखा रहे हैं। अगर आप ये देखें रिसेंटली उनका, उन्होंने गुजरांवाला जो कि एक छोटा सा सिटी है उसको होलसेल सिटी करार दिया है, तो आप ये देखें वहाँ पे भी जो मेंटोर हैं डॉक्टर कासिम ज़िया मलिक, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे, जिसकी बेस पे उसको होलसेल सिटी करार दिया गया है। और उसके अलावा अभी जो है एक रिसेंटली प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, WEP प्रोग्राम, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसको लीड कर रही हूँ। और उसमें हम लोग EVS भी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके अलावा हम लोग फ्री सेशंस दे रहे हैं, डेली बेसिस पे हमारे सेशंस होते हैं जिसमें हम लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड डिटेल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर लोगों की जो क्यूरीज हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उनको भी रिजॉल्व किया जा रहा है। तो ये सारा जो क्रेडिट है ये साकिब साहब को ही जाता है कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जहाँ पे लोग आएँ और उसको सीखें और वहाँ से अर्न करें। बहुत बहुत शुक्रिया अफशां आबिद साहिबा आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग प्राइवेट लेबल बिज़नेस के हवाले से उनको टिप्स चाहिए थी उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।